पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार शाम को दो अलग अलग जगहों पर दो पार्षदों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आगरपारा में अपने पालतू कुत्ते के लिए दवा खरीदने के लिए रुके 48 वर्षीय पनिहाटी पार्षद के सिर मर गोली मार दी गई। दो बार के पार्षद अनुपम दत्ता की अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत हो गई। ये घटना उस समय हुई जब झालदा के 4 बार के पार्षद रहे तपन कंडू को दो अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक दत्ता ने दवाएं खरीदी थी और पैदल घर लौट रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोका। 4 हमलावरों ने दत्ता को करीब से 3 से 4 बार गोली मारी। 2 गोलियां दत्ता के सिर और कंधे में लगी। लगभग घातक चोटों के कारण दत्ता फिसल गए। पनिहाटी विधायक पार्थ भौमिक ने कहा कि हम चाहते हैं कि हत्यारी गिरफ्तार हो, चाहे वो कोई भी हो। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस सीसीटीवी फुटेज में आप साफ साफ देख सकते हैं कैसे अनुपम दत्ता दवाई खरीदते हैं और जैसे ही वो अपने बाइक पर बैठते हैं, तभी पीछे से आए एक बदमाश उन्हें गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला के साथ तृप्ति सिंह की रिपोर्ट।